हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो देखें, यहाँ पे आज का अपना टॉपिक रहेगा समकोण त्रिभुज की किसी भुजा को घुमाने पर बने शंकु का आयतन निकालना। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। मान लिया ये समकोण त्रिभुज आपके पास है ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसकी किसी भी भुजा को स्थिर करके, कांस्टेंट करके चारों तरफ घुमाने पर बने शंकु का आयतन पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। देखो आप कैसे, फर्स्ट तीन टाइप बनती हैं इसमें। पहली कंडीशन अपन देख रहे हैं, इसके बाद में देखेंगे सेकंड और थर्ड। तो पहली कंडीशन में देखें, आप आपको ये बोला जाए कि भुजा ए बी के परितः है इस समकोण त्रिभुज को घुमाने पर बने शंकु का आयतन, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मीन्स जो कुछ भी शंकु के बारे में पूछा जाए। तो चलो देखते हैं, भुजा ए बी के परितः घुमाने पर, यानी कि भुजा ए बी के चारों तरफ घुमाने पर, तो ए बी तो गया कांस्टेंट, स्थिर है। ये देखो आप ए बी को तो जैसे मान लिया मैंने पकड़ लिया यहाँ पर ऐसे, ए बी को तो इस तरीके से पकड़ लिया, और ए बी के चारों तरफ इस समकोण त्रिभुज को घुमाना है। तो अपन देख सकते हैं ए बी तो कांस्टेंट है, स्थिर है, ऐसा का ऐसा रहेगा। ये लो आप, ए बी कांस्टेंट है, ऐसा का ऐसा है, ये ए और ये बी एज इट इज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देखिए आप, ए बी स्थिर है और सी को फिर ऐसे घुमाएंगे इसके चारों तरफ, इस प्रकार ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे घुमाएंगे सी को। ए बी कांस्टेंट है और बी सी ऐसे घूमेगा चारों तरफ, तो बी सी ऐसे चारों तरफ घूमेगा तो जो आकृति बनेगी वो देखो आप, फिलहाल पहले सी कहाँ था, यहाँ पर था। अब ए बी तो कांस्टेंट है और सी इस प्रकार घूम रहा है, और सी इस प्रकार घूमेगा तो इधर तो लास्ट सीमा इसकी इधर रहेगी, यहाँ तक आएगा, और यहाँ से घूमकर इधर कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। तो इस प्रकार ये घूमता रहेगा, और इस प्रकार घूमेगा तो जो ऐसे घूमने पर, ए बी कांस्टेंट है और सी ऐसे घूमेगा तो जो बेस है वो कैसा बनेगा, एक वर्ताकार बनेगा, वर्त के जैसा आकार बनेगा। तो ये लो मैं बना देता हूँ वर्त के जैसा आकार, ये लो ऐसे घूमने पर ये वर्त के जैसा आकार बनेगा, ये इस प्रकार, ये जिसमें है बी, और ये आपकी थी बी सी। अब ध्यान देना आप सभी, ये जो BC है ये किसका काम कर रही है, जो बेस में वर्त है उस वर्त की त्रिज्या का काम कर रही है ना, BC BC आधार की त्रिज्या का काम कर रही है। मीन्स आप ऐसा कह सकते हो, यदि ये है स्मॉल a और ये है स्मॉल b और ये है स्मॉल c भुजा, तो आप ये कह सकते हो इसकी ये भुजा a शंकु के आधार की त्रिज्या का काम करेगी। मीन्स आप ऐसा कह सकते हो इसकी भुजा ए बराबर इसमें काम करेगी आधार की त्रिज्या का, मीन्स रेडियस का। क्लियर है सभी को? आपको ये दिया जाएगा, ये ए दी जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस भुजा के चारों तरफ इसको घुमाने पर ये ए इसमें रेडियस बन जाएगी, और ये किसका काम कर रही है, हाइट का काम कर रही है। ये 90 डिग्री पे था, समकोण त्रिभुज है, ये हाइट का काम कर रही है ए बी। ए बी आपके पास क्या है इसमें, सी। सी बन जाएगी इसकी ऊंचाई, यानी कि जो यहाँ पे अपन एच से डिनोट करते हैं वो इसमें क्या है, सी। तो आप कह सकते हो सी बराबर होगा एच के। यहां से देखें आप, ए सी एज इट इज है, ए सी एज इट इज है। शंकु में तो इसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई, ट्रांसवर्सल हाइट, यानी कि एल से डिनोट करते हैं। लेकिन इसमें ए सी क्या है आपके पास, बी है, यानी ये जो बी है वो कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बी कन्वर्ट हो जाएगी एल में। तो आप ऐसा कह सकते हो ए तो काम करेगा आर का, सी काम करेगी एच हाइट का, और बी काम करेगा एल का। आपके पास यदि इस प्रकार कोई समकोण त्रिभुज और ये भुजाएं ए बी सी दी गई हैं, तो आप हमेशा कह सकते हो कि इसके परितः है इसको घुमाने पर जो शंकु बनेगा उनकी त्रिज्या ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः ए सी बी को ही कहेंगे। अब यहां से देखें आप, शंकु, शंकु के आयतन का क्षेत्र, शंकु का आयतन तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आर जो आपको लेना है वो तो डायरेक्टली ये ले लें, मीन्स 1/3 पाई, आर की जगह क्या गिवन होगा, ए गिवन होगा, तो पाई की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा,
और यहाँ पे जो h है उसमें h है वो कौन आएगा, c। तो आप सीधा मान रख सकते हो 1/3 पाई मीन्स ए स्क्वायर इंटू सी, एच की जगह सी आ जाएगा। तो मैं तो एग्जैक्टली बस यही लिख रहा हूँ फॉर्मूला, और आप ऐसा इसमें कर सकते हो। यदि ये पूछा जाए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आप सारा डाटा यहाँ से बता सकते हो। वक्र पृष्ठ मीन्स क्राउड एरिया, क्राउड एरिया, क्राउड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल, आपके पास आर भी है एल भी है, क्योंकि आर एथ है जो उसको तो आर कह दोगे, बी को आप एल कह दोगे। इस प्रकार और टोटल सरफेस एरिया पूछता है यदि इसका, टोटल सरफेस एरिया तो आधार का एरिया और काउंट हो जाएगा, मीन्स पाई आर इंटू आर प्लस एल। आप इस प्रकार कह सकते हो यदि समकोण त्रिभुज में इस भुजा के चारों तरफ घुमाकर इसको शंकु बनाया गया है तो शंकु की सारी कंडीशन आप बहुत इजीली बना सकते हो। और ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, किसी ना किसी भुजा के अकॉर्डिंग बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स रिपीटिंग क्वेश्चन है। तो सेकंड देखते हैं इसमें, ये तो आपका फर्स्ट है, क्लियर हो गया होगा सभी को, एकदम आसान प्रोसीजर है, आसान सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं सेकंड, सेकंड में देखें आप, सेकंड में चलो ये मान लेते हैं कि इस भुजा के अकॉर्डिंग इसको घुमाया गया है, भुजा बीसी के अकॉर्डिंग। तो भुजा बीसी के अकॉर्डिंग घुमाया गया है, मैं एज इट इज इसको यहां पे उतार रहा हूं। ये लो, यही है आपके पास समकोण त्रिभुज एज इट इज, वो ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब की बार आपको कहा गया है भुजा बीसी के परितः समकोण त्रिभुज को घुमाने पर बने शंकु का आयतन, एज इट इज ए के सामने कैपिटल ए, ये है स्मॉल बी और ये है स्मॉल सी। तो अब की बार देखिए आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, एज इट इज बीसी को तो स्थिर कर दिया और ए को इस प्रकार चारों तरफ घुमाया गया है। तो देखिए यहाँ पे बीसी तो स्थिर कर ही दिया है, तो आप बीसी को तो स्थिर कर ही दिया एज इट इज, ये लो बीसी तो कर दिया स्थिर। पहले की तो कंडीशन ये थी कि एसी इस प्रकार था, यहां से ये आपके पास पॉइंट ए, एसी ऐसे था, लेकिन बीसी को स्थिर करके ए वाले हिस्से को, इसको तो ऐसे घुमाया जा रहा है ना, तो इस हिस्से को ऐसे घुमाएंगे तो ए कभी तो यहां आएगा कभी घूमकर इधर जाएगा। बीसी तो स्थिर है, इसके चारों तरफ ये ऐसे घूम रहा है, इधर गया फिर इधर से वापस ऐसे घूम रहा है इससे, ठीक है। तो ए ऐसे घूमकर ये इधर आएगा, इधर आएगा, तो देखो आप ये लो ये मान लिया यहां पर आ गया, ये जो ए था वो इधर आ गया। तो अब यहां से देखो आप आकृति आपके पास कैसी बनी, ऐसे ये घूमता रहेगा ऐसे, बीसी स्थिर है बीचों बीच और ये ऐसे चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, तो कैसी आकृति बनेगी, एक वर्ताकार आकृति बनेगी, ये वर्ताकार आकृति आपकी बनेगी। चलो मैं वर्ताकार आकृति बना देता हूं इस प्रकार, ये लो आप ये मैंने बना दी वर्ताकार आकृति। वैसे देखा जाए तो कि शंकु बन गया आपका, ये था आपके पास बी, ये था आपके पास यहां पे इसमें बी। अब देखिए यहां पे ध्यान देना सभी, ए बी सी एज इट इज ट्राइंगल था लेकिन इसके चारों तरफ ऐसे घुमाए तो ये आकृति बन गई। ये जो ए बी है यहां पर तो है ए बी ऊंचाई, सी ऊंचाई है, लेकिन ये शंकु देखो आप ऐसे बना है इस प्रकार, ये त्रिज्या ऊंचाई है इधर की, ये और ये, और ये इसका बेस है। अब इसकी हाइट का काम कौन कर रहा है, ये रहा बी सी, इसकी हाइट का काम कर रही है, मींस यहाँ पे ये है आपके पास इसमें एच, और ये ए बी किसका काम कर रही है, आधार की त्रिज्या का काम कर रही है, और ये किसका काम कर रही है, त्रिज्यक ऊंचाई। आप ऐसे कह सकते हो या फिर इसको सीधा करके देख सकते हो, एज इट इज ही थिंग बनेगी। तो आप कह सकते हो यहां पर जो आपके पास बीसी, बीसी इस शंकु में तो कर रही है ऊंचाई का काम, जबकि बीसी यहां पर आपके पास क्या है, ए। तो आप ये कह सकते हो ए बराबर रहेगा हाइट ऊंचाई के, और आर इसमें तो है ऊंचाई सी, ऊंचाई सी, और इसमें वो ऊंचाई सी क्या बन गई है, आधार की त्रिज्या मीन्स आर, और ये जो त्रिज्यक ऊंचाई एल है ये इसमें क्या थी, बी, मीन्स बी बन चुकी है त्रिज्यक ऊंचाई।
तब आप यहां से कह सकते हो कि ये इस प्रकार कन्वर्जन होगा। फॉर्मूले एज इट इज सेम है, जैसे कि यहां पर ये तीन फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, वही तीनों फॉर्मूले आपके पास यहां पर भी आएंगे। और आप ये कह सकते हो कि आपके पास यदि R, H व L है तो आप सारे मान वॉल्यूम वॉल्यूम के एरिया के जो भी शंकु से रिलेटेड जो भी मान है आप सारे मान ज्ञात कर सकते हो इन फॉर्मूलाज से। यदि आपके पास एच आर और एल है तो एच आर और एल तो अपन ने यहाँ से ज्ञात कर लिया बहुत आसानी से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। देखो फिलहाल मैं इस पे अभी कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ और एग्जाम्पल देने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है खास है, क्योंकि ये आपको बता दिया जो भी आप यहाँ पे संख्या लेते हो आपको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स भी लेंगे अपन नेक्स्ट आगे जो ये फर्स्ट पार्ट है इसके सेकंड पार्ट का जो वीडियो आएगा ठीक इसके नीचे आपको उसमें एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इनसे रिलेटेड कि ये क्वेश्चन है तो बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल इसमें कॉन्सेप्ट देख लिया, यदि क्वेश्चन आए तो आप कॉन्सेप्ट के आधार पर बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें आप एक बच गए आपके पास से करण, यदि करण को स्थिर करके इसके चारों तरफ घुमाया जाए तो आपके पास शंकु जो बनेगा उसका आयतन क्या आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो भाई ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है और वो भी पूछा जाता है, वैसे देखा जाए तो सब इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं पता रहता कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन आपको देगा, लेकिन उसमें समझने लायक बहुत सी चीज़ें हैं। तो देखते हैं ये क्लियर हो गया होगा सभी को अच्छे से। तो दो प्रकार तो ये हो गए, लास्ट तीसरा प्रकार अपन देख रहे हैं उसमें कैसे कन्वर्जन होता है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, चलो देखें आप वही त्रिभुज बना रहा हूं मैं, त्रिभुज एबीसी अपना ट्रायंगल था ये, त्रिभुज ए बी सी थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, बड़ा ही था ये, था त्रिभुज ए बी सी एग्जैक्टली यही था, इसमें ये ए है ये बी है और ये सी है और ये टाइप नंबर तीन और इम्पोर्टेंट है। इन दोनों भुजाओं के सापेक्ष से घुमाने पर मैंने आपको बता दिया जो शंकु बनेगा उसका आयतन कैसे आएगा। लास्ट बची करण, यदि करण को स्थिर करके इसके परितः चारों तरफ घुमाया जाए इस त्रिभुज को तो जो शंकु बनेगा उसका आयतन। एक्चुअल में ऐसा करने पर दो शंकु बनते हैं, देखते हैं बहुत ईजिली कैसे। इस आकृति को मैं थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर रहा हूं आप ताकि आसानी से समझने को, यहां पे भी इजीली समझ सकते हो लेकिन उस पर और बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैं ऐसे थोड़ा सा घुमा रहा हूं और करण को बिल्कुल सीधा रख रहा हूं। तो देखिए यहां पे करण को बिल्कुल मैंने सीधा रख दिया, ये लो आप करण अपने पास कौन है एसी, एसी को सीधा रख दिया और एज इट इज ये लो आप ये ए सी और बी देख सकते हो डायग्राम बिल्कुल एज इट इज है। ए के सामने ए है और करण था जो वो बी है और ये सी है। मैंने केवल ये किया कि ये करण को थोड़ा सा इस प्रकार सीधा कर दिया, करण को सीधा कर दिया, इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो ये तो बनेगा। देख सकते हो ए बी सी, ए के सामने है आपके पास ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, ये और ये एक ही डायग्राम है, बस थोड़ा सा एंगल घुमाया इसका, आप आसानी से समझ सको इसलिए। अब देखिए आप ये क्या बोल रहा, करण के परितः घुमाने पर, करण तो ये है और घुमाएगा इसको इस प्रकार ऐसे घुमाएगा बिल्कुल, ये तो करण हो गया और घुमाएगा कैसे इस प्रकार, ये जो बी पॉइंट है ये इसे इधर जाएगा इधर आएगा इस प्रकार ऐसे घुमाएगा। तो चलो देखते हैं करण, इसको तो फिक्स कर दिया इसने, अपन भी फिक्स कर देते एज इट इज, ये लो आप ये करण एसी तो एज इट इज है। इसके बाद ये तो अपना बना हुआ था ही इधर, ये लो बी और ये था ए सी और बी,
यहां से देखें आप, ये जो एसी है, अब इसमें एसी को तो स्थिर कर दिया और बी को ऐसे घुमाएगा, बी को ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा इस प्रकार, तो बी अभी तो यहां है, फिर ऐसे घूमकर उधर भी जाएगा, यहां भी जाएगा बी, ये बी पॉइंट यहां भी जाएगा ना। तो देखिए यहां पे, यहां से मिला देते हैं इसको, येलो और येलो। अब यहां ध्यान से देखना आप, ये तो स्थिर है और बी ऐसे घूम रहा है, इधर गया फिर ये इधर गया, इस प्रकार ऐसे घूम रहा ना बी, ऐसे घूम रहा है, तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, एक सर्किल जैसा आकार बनेगा, वर्त जैसा। तो वर्त जैसा आकार में बना देता हूं, ये लो वर्त जैसा, एक ये बन गया इधर से और एक ये बन गया इधर से। और अब यहां से आप देख सकते हो एसी अपने पास क्या था, एसी अपने पास था यहां पर बी, एसी अपने पास यहां पर था कितना, बी। यहां से देखें आप, इसमें ये है रेडियस त्रिज्या, एक शंकु तो आपका बना नीचे एज इट इज और एक शंकु बना ऊपर। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसको बाद में देखेंगे अपन। तो यहां से देखें आप, ये आपके पास ये रेडियस, रेडियस पता नहीं कितनी मान लेते हैं आर। अब ध्यान देना, जो नीचे छोटा शंकु लग रहा है उसकी त्रिज्या भी कितनी है आर, और जो ऊपर बड़ा शंकु लग रहा है उसकी त्रिज्या भी कितनी है आर, दोनों की त्रिज्या तो सेम है। और हाइट, इसकी हाइट मान लेते हैं अपन एच वन, और नीचे वाला जो है शंकु, उस शंकु की हाइट अपन क्या मान लेते हैं एच टू। अपने को यहां से देखें आप, इस आर का मान निकालना है, आर का मान यदि इस ट्रायंगल में देखा जाए तो आर का मान, अलग से बता रहा हूं आपको आर का मान कैसे निकालेंगे। इसमें देखें आप, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, आर आप बहुत ही सिंपली निकाल सकते हो, ये आपके पास समकोण त्रिभुज है इस प्रकार, ये है आपके पास इसमें ए बी सी, ये है ए, ये है सी और ये है बी, और ये है आपके पास 90 डिग्री का एंगल यहां पर। अब ध्यान दें आप यहां पे, ये जो बी 90 डिग्री का है, इसमें भी बी यहां पे 90 डिग्री का, करण के सामने तो होता है ना, और इसमें भी आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ध्यान देना आप सभी, यदि 90 डिग्री का एंगल है, मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो चलो एबीसी का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे, तो करेंगे एक बटा दो गुणा, करण को छोड़ देते हैं, ये आधार और ऊंचाई का काम करता है, तो एसी, या फिर यहां से देख सकते हो एक ही बात है, यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या निकलेगा, एक बटा दो ए गुणा सी, ये आएगा ना ए गुणा सी। चाहे आप इस डायग्राम में देखो चाहे इसमें देखो, बात तो एक है, डायग्राम तो एक ही है, तो एक बटा दो गुणा ए गुणा सी, ये आपने यहां पर रख दिया। और आप यदि करण के अकॉर्डिंग चाहें, करण के अकॉर्डिंग यदि आप चाहें कि क्षेत्रफल निकालना है, तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो गुणा, आपके पास करण तो कितना है बी, करण है बी, और ऊंचाई बी से इस करण पे डाला गया लंब, या यहां पे देख सकते हो बी से इस करण पे डाला गया लंब, बी से इस करण पे जो लंब डाला गया वो अपन ने क्या ले रखा है यहां पर आर ले रखा है, अपन ने ले रखा है यहां पर उसको आर। तो आप समझ सकते हो एक बटा दो गुणा करण गुणा आर आएगा, ये लो आर, एक बटा दो से एक बटा दो कैंसिल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना, क्योंकि दोनों एक ही समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, एक बटा दो से एक बटा दो कैंसिल, आपको चाहिए था आर का मान, तो आर का मान यहां से क्या आ जाएगा एसी बाई बी, एसी बाई बी, ये इंपॉर्टेंट है कि आर का मान आपका एसी बाई बी होगा। अब देखिए आप यहां से आर का मान आपके पास आ गया एसी बाई बी, एक है एच वन और एक है एच टू, चलो अपन दोनों का आयतन निकालते हैं, बड़े वाले शंकु का भी और छोटे वाले शंकु का भी, और दोनों के आयतनों को निकाल के अपन जोड़ दें, तो टोटल ये जो आकृति है पूरी आकृति का आयतन आपके पास से आ जाएगा। तो चलो देखते हैं कंप्लीट दोनों के आयतनों का योगफल कितना आएगा, यहां से कुल आयतन यहां पे लिख रहा हूं मैं, और जगह नहीं बची इसमें, कुल आयतन, कुल आयतन देखें आप,
हाँ भाई, बड़े वाले शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3 πr² h1 प्लस, यही होता है आयतन का फॉर्मूला। दूसरे नीचे वाले शंकु के आयतन का फॉर्मूला वही 1/3 πr, तो सेम है दोनों में, आर स्क्वायर और एच टू है इसकी हाइट, तो इसकी हाइट आ जाएगी एच टू। यहां से देखें आप, 1/3 πr² तो कॉमन आ रहा है, 1/3 πr², इसमें बचेगा एच वन और इसमें बचेगा एच टू, तो आप यहां से कह सकते हो आएगा एच वन प्लस एच टू। वैसे एच वन प्लस एच टू क्या बनेगा? एच वन प्लस एच टू इसमें बनता है, देख सकते हो आप, एच वन प्लस एच टू कंप्लीट काम करता है बी का। एच वन प्लस एच टू मीन्स ए सी, और ए सी कितना गिवन है? बी। तो आप यहाँ पे एच वन प्लस एच टू की जगह कह सकते हो बी। तो ये बना आपके पास 1/3 πr² b। अब आर, आर का मान आपको पता होना चाहिए, ए सी बाई बी रख सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला बना है इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, उधर इतनी जगह बनी है, बची है। ये आपके टोटल दोनों आकृतियों के योगफल का जो वॉल्यूम है वो आएगा 1/3 πr². देखो, आर स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूं a² c² / b² और गुणा में कौन है? एच वन प्लस एच टू यानी कि बी, गुणा में है बी। देखो बी से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास वॉल्यूम कितना बना? 1/3 πa² c² / b। ये आपके आयतन का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपके पास ए है, बी है, सी है, इन ए बी सी के अलावा कुछ नहीं चाहिए शंकु जब बनता है। चाहे शंकु को इस भुजा के सापेक्ष से घुमाया गया हो, चाहे इसके परितः घुमाया गया हो, चाहे करण के परितः घुमाया गया हो, तो पहली दोनों सिचुएशन तो बिल्कुल आसान थी, एग्जैक्टली एबीसी काम आ रहे थे। और थर्ड सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार आपको घुमाने पर ही आपका आंसर सही आएगा। इस प्रकार घुमा दें आपको, आपको ये आता नहीं आता, आपने किया नहीं किया, तरीका मैंने बता दिया कि भाई आप ये मान रखते हैं ना। यदि आपको ये मान याद है तो आपको जरूरत नहीं है प्रोसेस आए चाहे नहीं आए, लेकिन कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से घूम जाता है, लैंग्वेज घूम जाती है, यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजीली कर पाओगे, तो ये ध्यान रखना है। तीसरी कैटेगरी को स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि तीसरी कैटेगरी में सिचुएशन आपकी ये बनती है 1/3 πa² c² / b, आपके पास ए बी सी तीनों हैं। तो ये आपका चैप्टर आज खत्म होता है इसमें, आप तक इसमें सेकंड पार्ट देखेंगे अपन, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन बेस्ड देखेंगे किस पे डिपेंड क्वेश्चन आएंगे कि आपको कैसे कैसे उनका सॉल्यूशन करना है। तो मोस्टली तो ये है, ये तो ध्यान रखना ही है, नेक्स्ट पार्ट में जब क्वेश्चन आएंगे तो अपन क्वेश्चन भी देख लेंगे। बाकी सभी को क्लियर हो गया होगा, और आपको वीडियो कैसा लगा? देखो कोशिश की गई है पूरी जान डालने की कि भई आप अच्छे से समझ सको, और आप यदि सीरियसली ध्यान से देखते हो तो मुझे उम्मीद है आपको पक्का समझ में आएगा। और कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में लिख सकते हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, कोशिश की जाएगी आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो। वैसे यदि कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखना, आपका कन्फ्यूजन पक्का क्लियर हो जाएगा। मैंने 1% भी कन्फ्यूजन लायक कोई जगह इसमें नहीं छोड़ी है। तो वीडियो आपको पसंद आएगा उम्मीद है, और आप इसे सब्सक्राइब करें, यदि कोई नया बंदा अपने चैनल पर आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।